प्रभु श्री राम कहते हैं भक्ति विमल वर दे, तुम्हें विमल भक्ति हम प्रदान करते हैं। प्रभु श्री राम जाने के लिए तैयार हुए तो केवट चरण पकड़कर रोने लगे, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। क्या? कि जब आप लौट के आए तो इसी गंगा के तट पे होके आना। मैं अयोध्या वासियों का बहुत बड़ा अपराधी हूं, सब अयोध्या वासियों से मैं आपको दूर कर दिया, उस गंगा के तट से इस इधर ले आया। मैं अपराधी समझ रहा हूं कि भगवान के भक्तों से मैंने भगवान को दूर कर दिया। हे प्रभु, इस अपराध की एक ही सजा है कि जिस नाव में आपको मैंने बैठाला है उस नाव में आज के बाद मैं किसी को नहीं बैठा लूँगा, और जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन कर लिया है उन नेत्रों से अब मैं किसी और को नहीं देखूँगा। केवट ने उसी समय राम के आगे अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली, अपनी नाव को पलट दिया और कहा इस घाट पर मैं तब तक राम राम जपता रहूँगा जब तक आप वापस 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके नहीं आ जाते। प्रभु श्री राम ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। जिन नैनन में तेरो रूप बस्यो उन नैनन ते अब देखिएगा। जिन नैनों में आपका स्वरूप बसा है उन नैनों से अब हम किसको देखें, क्यों देखें, काहे को देखें। जिन हाथों से हमने आपको पार कर दिया क्या हम फिर से उसी दुनिया में लगाए रखे ना हाथों को? नहीं प्रभु, बिल्कुल भी नहीं। अब तो सिर्फ आने का इंतजार होगा, आपके वापस आने का। और प्रभु श्री राम चले गए और केवट वहीं पर बैठकर भगवत स्मरण करने लगा, भगवत नाम जपने लगा। भगवान श्री राम आगे गए, अनेकों ऋषि मुनियों के भवनों में गए। अब भवन तो जहाँ राम नामांकित है वो भवन है, पर ऋषि मुनि आश्रमों में रहते हैं, आश्रमों में भगवान श्री राम गए। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।